नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। और यहाँ तक के बच्चा डूब रहा पानी पी के, तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ कोई ट्रेनर नहीं है। तीने वो स्विमिंग पूल छोटा है ना, तीने नहीं आता, शौक के खातिर चले आ रहे। अब उसके अंदर साफ सफाई नहीं है, संजा ले ठहरने की कोशिश भी करो तो ठहर नहीं सकता, गिर जाता में। दोपहर में श्रीदेवी कॉलोनी में एक स्विमिंग पूल है, उसमें मोहम्मद फैसल नामी बच्चा है, आज वो बच्चे का वो स्विमिंग पूल में इंतकाल हो चुका है। इसकी जिला सदर मोहतरम नसीब मिलत अनहाज बैरक्शन असदुद्दीन अंसी साहब को मिलते ही मैं सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यहाँ मायचिनी हॉस्पिटल को आया हूँ। और बच्चे की डेड बॉडी अभी उस्मानिया में पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं मार्चरी को। आज से तकरीबन एक दो माह पहले भी इसी तरीके से ये स्विमिंग पूल में ये हादसा हुआ था, उस टाइम पे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साइबराबाद सीपी कंप्लेंट करे थे और राजेंद्र नगर पंचायत में कंप्लेंट करे थे कि ये जो स्विमिंग पूल के जिम्मेदारान लापरवाही से जो स्विमिंग पूल चला रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त केसेस लगा के सख्त से सख्त इन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। आज एरिया पीएस वालों से भी हम बात किए हैं, अभी एरिया पीएस के सीए साहब भी मुझे बोले हैं कि रहमत साहब हम इसके ऊपर क्रिमिनल केस हम बुक करेंगे और इमीडिएटली नॉन वेल्यूबल वारंट निकाल के इसको जेल को पहुंचेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा राजेंद्र नगर में हर मसले में सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम यहाँ पर आए हैं, और भी कल बच्चे का सुबह पोस्टमार्टम होगा, सदर मोहतरम की हिदायत है, मैं भी मार्चरी जाऊँगा कल सुबह 9:30 बजे, पोस्टमार्टम कराएंगे हम, कराए बाद फिर उनकी जो बच्चे की लाश है उनके घर वालों को दी जाएगी। आज सुलेमान नगर सेटलमेंट में फैसल नामी बच्चा जो स्विमिंग करने के लिए ए-टू-ज़ेड स्विमिंग पूल को गया था, वहाँ पर जाकर उसको तैरना नहीं आता था, जो स्विमिंग पूल के ज़िम्मेदार है, इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है। फेबरवरी की 22 से 23 तारीख आए दिन 2 महीने को ऐसा केसेस हो रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर। मेरे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से और राजनगर पुलिस से डिमांड है कि वो स्विमिंग पूल बंद हो या नहीं तो वो स्विमिंग पूल के जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर
मर्डर केस बुक कराए उनके ऊपर, क्योंकि आए दिन इससे दो बच्चे हो चुके हैं, दो बच्चों के जान ले चुके हैं। तो दूसरा और ना ऐसा हादसा हो, मेरा अदबन गुजारिश है कि ये स्विमिंग पूल बंद हो जाए। और मैं जितने भी जिम्मेदार जो पुलिस वाले महकमों से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके सख्त से सख्त कार्रवाई करें इनके ऊपर। अभी तक कितने बच्चे हमारे सिंह से? ये दूसरा बच्चा ये हमारे बस्ती के, इससे पहले वादिया में वो सुलेमान नगर का लड़का था और ये चिंदलमेट का लड़का, ये बच्चा रहता असल देखा जाएगा तो ये बच्चा रहता है अपने गुलबर्गा का बच्चा है, यहाँ पर काम करने के लिए आया था, उनके खाला के पास रहता था बच्चा। अभी खाला के पास से तीन दिन पहले फिर अलग से रूम लेकर जोमेटो में काम कर रहा था बच्चा लड़का, ये आज हसन नगर में एक रूम लेकर, अभी तीन दिन पहले हसन नगर में रूम लेकर वहाँ पर ठहरा था बच्चा। ये दोपहर के खाने के टाइम पे आकर ये स्विमिंग पूल के लिए उनका खलेरा भाई उन दोनों मिलकर वहाँ पर गए थे, वहाँ जाके स्विमिंग के दौरान उसकी मौत हुई है। तो वहाँ के स्विमिंग पूल में ये बच्चे बोल रहे भी गए, कोई आओ कोई आओ तो कोई बचाने वाला, और वहाँ का कोई जिम्मेदार शख्स वहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया। खाली एक मामले से की फेंक के रस्सी फेंक के जो बच्चा साथ था उसको भी तैरना नहीं आता था, वो बच्चा जाके खींच कर लेकर आया। तो मैं सिक्योरिटी भी नहीं है वहाँ पर, कुछ भी जिम्मेदार वहाँ की लापरवाही है, ट्रेनर्स भी नहीं है वहाँ पर, लापरवाही। स्विमिंग पूल कहाँ पर है? ये स्विमिंग पूल देखो किले नंबर 258 के अंदर, श्रीदेवी कॉलोनी के अंदर है ये। कंप्लेंट करा दिया ऑलरेडी हम लोग, कंप्लेंट करा दिया राजेंद्र नगर PS के अंदर। तो मैं राजेंद्र नगर PS से गुजारिश कर रहा हूँ कि स्विमिंग पूल जल्द से जल्द बंद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं और मेरा भाई स्विमिंग पूल को गए थे। जाने के बाद वहाँ पे आधा एक घंटा तीरे, तीरने के बाद उन्हें अंदर 6 या 4 फीट में चले गया था। मैं गार्ड को आवाज़ दिया और सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ दिया, लो आए खाली एक फीट फेंके, दो जने डूब रहे थे हम लोग, और भाई आके कार लेके आने के बाद हम वहाँ दो हॉस्पिटल भी हाथ नहीं पकड़े, फिर इधर मैचरी में लेके आया हमें हॉस्पिटल में। मेरे सवालों का नाम क्या है? Z2Z और मेरे भाई का नाम है मोहम्मद फैसल। कहीं कैसे गए थे आप लोग? वहाँ गिरने गए थे हम लोग वहाँ पे। तो गार्ड उड कुछ आपको कैसा दिख रहा? वो एक फीट की है और लापरवाही करे थोड़ी लोग, और कोई भी रहते वहाँ पे सुबह 11 बजे।